आइए साहब। दुनिया झूठी लोग फरे भी कौन किसी का होता है, हंसकर बातें करने वाला तन्हाई में रोता है। रोता है अल्लाह अल्लाह गुरबत उसकी, अल्लाह अल्लाह किस्मत उसकी, 60 साल की उम्र है लेकिन अब तक बोझा। 60 साल की उम्र है लेकिन अब तक बोझा ढोता है। क्यों? कि मुसीबत में सुनिए। मैं वक्त का लिहाज करते हुए भैया की फरमाइश पूरी कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद आका हुसैन का जिक्र करके सलाम कर दिया जाएगा। मुसीबत में शरीफों की, मुसीबत में शरीफों की शराब कम नहीं में शरीफों की शराबत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं। कशिश कुछ और बढ़ जाती है, चाहत कम नहीं होती। बिछड़ के हमने देखा है, बिछड़ के हमने देखा है मोहब्बत कम नहीं होती। बिछड़ के हमने देखा है मोहब्बत कम नहीं होती। मैं गुजारिश करूंगा जितने भी कमेटी के नौजवान हमारे साथी हैं, जिनकी बड़ी मोहब्बत रही हमें बुलाने के लिए, असलम भाई वो जहां भी हैं, मैं ये उनका पसंदीदा शेर पढ़ रहा हूँ। जो लोग बाहर हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा जरा, आधा घंटा बड़ा कीमती है मेरे लिए, आप लोग तशरीफ ले आए, क्योंकि मैं आपका मेहमान हूँ और आपके बड़े मोहब्बतों के दावतनामे पे मैं यहाँ तशरीफ लाया हूँ। तो ये शेर जरा मुलायदा फरमा लें। बिछड़ के हमने देखा है मोहब्बत कम नहीं होती। सरफराज भाई, हो झूठी तसल्लियां हुई वादे बहुत हुए, झूठी तसल्लियां हुई वादे बहुत हुए, उसकी तरफ से प्यार में धोखे बहुत हुए, उसकी तरफ से प्यार में धोखे बहुत हुए। हालांकि हम मिले और मिलकर बिछड़ गए, हालांकि हम मिले और मिलकर बिछड़ गए, हालांकि हम मिले और मिलकर बिछड़ गए, हालांकि हम मिले और मिलकर बिछड़ गए। छोटी सी जिंदगी में तमाशे बहुत हुए, छोटी सी जिंदगी में तमाशे बहुत हुए, छोटी सी जिंदगी में तमाशे बहुत हुए। हम एक हो ना पाए किस्मत की बात थी, हम एक हो ना पाए किस्मत की बात थी, हम एक हो ना पाए किस्मत की बात थी, लेकिन हमारे प्यार के चर्चे बहुत हुए। Oh, 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 oh,
बदती लेकिन हमारे प्यार मैं गुजारिश करूंगा था साउंड के इसके ऑपरेटिंग के पास सेट जाए प्लीज यहां से बैठ जा बेटा बैठ जा बैठ गया बैठ जा बेटा बैठ जा आराम आराम से ले ले शेर बड़ा पसंदीदा आपका उसके चेहरे पे बेटे स्टेज के पीछे आ जाओ स्टेज के पीछे खूब नाचना जल्दी जा जाओ आ जाओ स्टेज के पीछे जाओ जल्दी वहां खूब डांस करना जाओ भाई इन्हें बिठा लो वरना मैं नहीं पढ़ूंगा बेटा धूल उड़ा ये बैठ जाओ क्या कर रहा हो यार तुम मुद्दू भाई असलम भाई ने बोलो ना बेटा यार समझदार है तू तो यार भैया यार क्यों ऐसा कर रहा है तुम भी ऐसे हो रहा हो शहर वाला सबूत दे बेटा ऐसा मत कर बेटा शहर का सबूत दे ये सब खड़े में देख तेरे बड़े खड़े में तेरे अब्बा भी आए हुए यहाँ पे आराम से उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक आज भी है उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक आज भी है उसको हालांकि मेरे प्यार में शक भी है उसको हालांकि मेरे प्यार में शक आज भी है वो जो छुप छुप के मिला कर देते हम तुम पहले वो जो छुप छुप के मिला कर देते हम तुम पहले याद मुझको वो पुरानी सी सड़क आज भी है याद मुझको वो पुरानी सी सड़क आज भी है नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने सारे तालाब में बैठी थी सारे तालाब में नदी की शरद साहब ये बच्चा बड़ा मेहनत करता है ये सुभान ना ना सारे तालाब में नदी में आज भी है आज भी है आज भी है तालाब में नदी में है आज भी है नाव में बीट की दो इतनी का भी आज सारे तालाब में नदी की आज भी है आज भी उसके चेहरे पे आप लोगों ने सबने सुनिए एक बार मैं चाहता हूँ जरा सारे जिन लोगों ने सुनी है वो तो जरा कम बोले बोले उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक उसको हालांकि मेरे प्यार में शक आज भी है नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने अभी भी है आज भी है सारे तालाब में अभी भी है आज भी है अभी भी है आज भी है आइए अब बैठ जाइए
बैठ जाओ सिखो सवाली से भाई प्लीज बैठ जाएं, भाई बैठ जाएं, बैठ जाओ भैया, आप लोग बैठ जाएं। सवाली को आप बैठ जाएं, पराए मेहरबानी। हाँ क्योंकि आप बैठ जाएं। बिल्कुल बंद कर दो, बंद कर दो, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। बैठ जाओ भाई, हाथ जोड़े तुम्हारे, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, सुकून से सुन। ये तुम्हारे प्यार में सब इन्होंने बेचारों ने इतने मेहनत मशक्कत करके कमेटी ने पूरी ने महफिल सजाई है यार। अब जब महफिल कामयाब होने के टाइम पे है तो तुम ऐसा मत करो, प्लीज बैठ जाए आप लोग। तुम्हारी बात इन्होंने कमेटी ने पूरी ना रिस्पेक्ट करी है, ऐसा मत करो। सवाली को कभी कभी दहलीज से खाली न लौटाना, खुदा के नाम पे देने से, खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती, खुदा के नाम खुदा के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती। मगर जो लोग गजल के सुनने वाले बैठे हैं, मैं ये शेर भी आप तक पहुंचा। भाई तुम इधर आ जाओ मेरे पास, भाई जानी आप भी प्लीज, क्योंकि वो साउंड के तार दब रहे हैं। ये जो शेर पढ़ रहा हूं मैं हदीस के मुताले से पढ़ रहा हूं। नबी का कौल है, नबी का कौल है, मेहमान की खिदमत करा कीजिए। नबी का कौल है, मेहमान की खिदमत करा कीजिए। नबी का कॉल है, मेहमान की खिदमत करा कीजिए। क्यों? अगर मेहमान हो घर में, अगर मेहमान हो घर में तो बरकत कम नहीं हो, अगर घर में सबसे खूबसूरत शेर जो नजर कर रहा हूं। अगर मेहमान हो घर में तो बरकत कम नहीं होती, क्योंकि हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, तौहीन मोहब्बत मेरा ईमान नहीं है। अल्लाह मेरे रिज्क की बरकत ना चली जाए, दो रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है। अल्लाह मेरे घर की, अल्लाह मेरे घर की बरकत ना चली जाए, रिज्क की बरकत ना चली जाए, दो रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है। गजल का सबसे खूबसूरत शेर दोस्तों, जो आप लोगों ने जिसको गजल का सर का ताज बनाया है। मेरे माँ बाप ने बचपन से ये
तालीम दी मुझको ये बाबा मुझे बचपन से ये आहानी मोजी मुझको मेरे माँ बाप ने बचपन से ये तालीम दी मुझको असलम भाई बुजुर्गों की दुआ लेने से बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती दुआ लेने से इज्जत माँ आया है तो मैं दो तीन शेर ज्यादा नहीं दो तीन शेर वक्त को लिहाज करते हुए दो तीन शेर पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ सब अपने माँ के चाहने वाले हैं क्योंकि माँ का जिक्र भी इबादत है दोस्तों उसके सारी हयात उसके सारी हयात काटी है उसके सारी हयात काटी है दिन भी काटा है रात काटी है दिन भी काटा है रात काटी है माँ के कदमों में सो के ऐसा लगा माँ के कदमों में सो के ऐसा लगा जैसे जन्नत में रात काटी है हमारे सरफराज भाई भाई का क्या नाम है अकरम भाई ने पूरी रात बड़ा हमें अरे वाह पूरी रात बड़ा प्यार से नवाजा है और हमारे भाईजान क्या नाम है इनका चांद भाई और हमारे दोस्त खालिक भाई क्योंकि मैंने इसलिए नाम लिए भाई क्योंकि मैं पहली मर्तबा अपने दोस्तों में आया हूँ मुझे पता भी नहीं कि इनमें कौन क्या है आज सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये लोग वाकई प्यार करने वाले लोग हैं अरे वाह भाईजान का तो मैं भाईजान ने तो मुझे रिसीव किया और बाहरी के जुनेद मियाँ हम लोग घबरा गए थे जब आपका फ़ोन नहीं लगा मैंने कहा नहीं भाईजान कि आप जब आपका दावतनामा पहुँचाए तो बिल्कुल हम सर के बल हाजिर होंगे क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों का बुलावा है यहाँ पे मैं शेर के साथ पेश करना चाहूँगा कि बुज़ुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती मेरे माँ बाप ने बचपन से ये तालीम दी मुझको बुज़ुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती क्योंकि सदका भी दे दिया है नज़र भी उतार दी दौलत सुकून और चैन की सब मुझ पे वार दी मैंने कहा था माँ मेरी तबीयत खराब है मैंने कहा था माँ मेरी तबीयत खराब है माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी सुभान मैंने कहा था माँ मेरी तबीयत खराब है माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी नवाजिश माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी क्योंकि होश क्या चीज थी औसान भी ले सकता था होश क्या चीज थी औसान भी ले सकता था होश क्या चीज थी औसान भी ले सकता था वो कसम खाने को कुरान भी ले सकता था वो कसम खाने को कुरान भी ले सकता था वो कसम खाने को कुरान भी ले सकता था बचा लिया मुझे माँ की दुआओं ने वरना बचा लिया मुझे माँ की दुआओं ने वरना वो हाथ साथ मेरी जान भी ले मेरे माँ बाप ये तालीम दी मुझको बुजुर्गों की बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती
आका हुसैन अली मकाम का जिक्र मुबारक किया जाए। चार बज गए हैं। जी जी भी पढ़ो जो आप लोगों का पसंदीदा कलाम हक निभाना मेरे हुसैन का है।